तभी टुनटुनी चिड़िया ने टूनी चिड़िया को धक्का दे दिया। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई होती है, तभी वह देखती है कि एक चिड़िया आसमान में उड़ रही है और अचानक से एक चील आकर उस चिड़िया पर हमला कर देती है। तभी वह चिड़िया अपने आप को बचाने की कोशिश में सीधा नदी में जाकर गिर जाती है और नदी में पानी के डूबने से चिड़िया की मौत हो जाती है। तभी टूनी चिड़िया बहुत डर जाती है और सोचने लगती है, कहीं किसी दिन चील ने मुझ पर भी हमला कर दिया तो मैं भी इस पानी में डूबकर मर जाऊंगी, क्या हम पक्षी पानी में तैर नहीं सकते। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी सहेली टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और उसको यह सारी बात बताती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मुझे पानी में तैरना सीखना है क्योंकि मैं पानी में डूबकर मरना नहीं चाहती हूँ। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, टूनी इसके लिए तो तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि हम पक्षी पानी में नहीं तैर सकते हैं। पर टूनी चिड़िया जिद करने लगी, नहीं मुझे पानी में तैरना सीखना है। तभी टुनटुनी चिड़िया ने टूनी चिड़िया को धक्का दे दिया। अब टूनी चिड़िया पानी में फड़फड़ाने लगी और कैसे भी करके ऊपर आई और टुनटुनी चिड़िया से कहने लगी, टुनटुनी यह क्या किया तुमने, मैं कहीं पानी में डूब के मर जाती तो फिर क्या होता। अरे टूनी तुमने देखा ना, हम पक्षी पानी में नहीं तैर सकते, पर हाँ मैंने तुम्हें देखा कि तुम पानी में सांस रोक सकती हो और तुम मेहनत करके पानी से ऊपर भी आ गई। अरे हाँ टुनटुनी तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, यह तो मैंने देखा ही नहीं। इसका मतलब टूनी अगर तुम रोज रोज इसी तरह पानी में डूबने की प्रैक्टिस करो तो एक दिन तुम तैरना जरूर सीख जाओगी। उसके बाद टूनी टुनटुनी रोज नदी पर जाती और पानी में डूबने की प्रैक्टिस करती। अब टूनी चिड़िया को बहुत हद तक पानी में तैरना आ गया था। अब टूनी चिड़िया एक दिन भोजन की तलाश में जंगल की ओर जाती है, तभी उसे एक पेड़ पर मीठा मीठा फल लगा दिखता है। अब टूनी चिड़िया उस फल के पास पहुंच जाती है। अब टूनी चिड़िया उस फल को तोड़कर अपने पंजों में दबा लेती है और उड़ने लगती है। तभी टूनी चिड़िया देखती है कि उस फल में काफी वजन है। उस फल से टूनी चिड़िया नीचे की ओर जा रही थी, पर टूनी चिड़िया उस फल को पूरा ले जाना ही चाहती थी, इसलिए वह बहुत कोशिश करके ऊपर उड़ने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर फल काफी ही वजनदार था और टूनी चिड़िया अचानक से उस फल के वजन से सीधा पानी में अंदर की ओर चली गई। अब टूनी चिड़िया काफी पंख फड़फड़ाती है और सांस को रोककर अपने आप को बहुत ऊपर लाने की कोशिश करती है और इस कोशिश में वह ऊपर आ ही जाती है। अब टूनी चिड़िया बार बार अंदर जाती और बार बार पानी के बाहर आती, उसे ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा था। अब टूनी चिड़िया समझ चुकी थी कि मुझे पानी में तैरना आ चुका है। तब वह देखती है, अरे वह फल तो पानी में डूब ही गया। अब टूनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस जाने लगती है, तभी अचानक से वहां पर एक चील आ जाती है और टूनी चिड़िया की तरफ बढ़ती है। तब टूनी चिड़िया उससे बचने के लिए जल्दी से ही पानी में डूब जाती है और उस चील से अपने आप को बचा लेती है और वह चील टूनी चिड़िया को देखती ही रह जाती है। इस तरह टूनी चिड़िया ने आज मेहनत करके पानी में तैरना सीख ही लिया था। तब वह चील वहां से चली जाती है। उसके बाद टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घोंसले में चली जाती है। इस तरह टूनी चिड़िया ने आज अपनी मेहनत के बलबूते पर तैरना तक सीख लिया था। अगर हम मन में ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं। अरे चिनमन, ये चिड़िया कौन है तुम्हारे साथ? मैं चिनमन की बहन हूँ। नहीं, यह मेरी कोई बहन नहीं है, यह एक अनाथ चिड़िया है और मेरे घर मेरी माँ के पास जबरदस्ती रह रही है। जंगल में एक छोटी सी चिड़िया बहुत रोई जा रही थी। मामा, मेरी मम्मा, मुझे छोड़ के आप कहाँ चली
मुझे इस घने जंगल में बहुत डर लग रहा है। जंगल बहुत ही घना था और वहाँ इधर उधर देखती है, पूरा जंगल एकदम सुनसान था। छोटी चिड़िया लगातार रो ही जा रही थी। मामा, मेरी मामा, आओ ना। तभी वहाँ से एक कबूतरी गुजरती है और कबूतरी उस छोटी चिड़िया को रोते हुए देखती है। तब वह उसके पास आती है। छोटी चिड़िया, तुम यहाँ अकेली कैसे बैठी हुई हो? आंटी, मेरी माँ अभी नदी पर गई थी, तब से वहाँ लौटी नहीं है। अब कबूतरी छोटी चिड़िया से कहती है, बेटा तुम घबराओ नहीं, हमारी माँ लगता है रास्ता भूल गई है, वहाँ बहुत ही जल्दी आ जाएंगी। पर अब बहुत रात होने वाली है, इसलिए तुम मेरे घर पर चलो। तब कबूतरी छोटी चिड़िया को अपने घर ले जाती है। अब कबूतर कहता है, अरे कबूतरी, यहाँ कौन है? इस चिड़िया को तुम यहाँ क्यों लेके आई हो? तब कबूतरी उसको सारी बात बता देती है। पर हम ठहरे कबूतर, हम इस चिड़िया का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तुम इस चिड़िया को टूनी चिड़िया के पास पहुँचा दो। तब कबूतर छोटी चिड़िया को टूनी चिड़िया के पास पहुँचा देती है। अब टूनी चिड़िया, ठीक है, मैं आज से इसे अपनी बेटी बना के रखूंगी। टूनी चिड़िया पहले से ही एक बच्चे की माँ थी, आज से तुम मेरी बेटी हो और यह तुम्हारा भाई है। अब तुम दोनों बहन भाई आराम से मेरे साथ सो सकते हो। अब चुनमुन चिड़ा छोटी चिड़िया से कहता है, मेरी माँ है ये, मैं अपनी माँ के साथ सोऊंगा। नहीं बेटा, यह भी तुम्हारी बहन है, ऐसा नहीं कहते, आज से ये छोटी बहन मेरे साथ सोएगी। नहीं माँ, आप भैया को ही अपने साथ सुला लो, वहाँ अभी बहुत छोटे हैं। अब दूसरे दिन टूनी चिड़िया दोनों बच्चों के लिए दाने लेकर आती है। तभी चुनमुन चिड़ा कहता है, यह मेरी माँ है और मेरे लिए भोजन लेके आई है, सारा भोजन मैं ही खाऊंगा। हाँ भाई, आप खा लो, जब आपका पेट भर जाए तब मैं कुछ दाने खा लूंगी। चुनमुन को वह छोटी चिड़िया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तब एक दिन दोनों पक्षी बच्चे नदी पर पानी पीने जाते हैं। तब चुनमुन के दोस्त आते हैं और चुनमुन से कहते हैं, अरे चुनमुन, ये चिड़िया कौन है तुम्हारे साथ? मैं चुनमुन की बहन हूँ। नहीं, यह मेरी कोई बहन नहीं है, यह एक अनाथ चिड़िया है और मेरे घर मेरी माँ के पास जबरदस्ती रह रही है। अब चुनमुन छोटी चिड़िया को अकेले छोड़ अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। अब छोटी चिड़िया अकेली बैठी हुई रहती है। तभी चुनमुन चिड़ा कहता है, चलो चलो, हम उस घने से जंगल में चलते हैं। टुनटुनी चिड़िया के बहुत समझाने पर भी वह दोनों नहीं मानते। और इधर छोटी चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है। तभी टूनी चिड़िया उससे पूछती है, बेटा तुम्हारा भाई कहाँ है? माँ, मैंने उसे बहुत रोका था, पर वह अपने दोस्तों के साथ घने जंगल चला गया। अब जंगल में मौसम खराब होने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। हम तो यहाँ फंस गए, अब बारिश बहुत तेज हो रही है, हम घर कैसे जाएंगे? दोनों पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी आंधी में एक बड़ा सा पत्थर आता है और चुनमुन चिड़े को लग जाता है। उसका दोस्त उसे अकेले छोड़कर भाग जाता है और वहाँ अकेला रह जाता है और बहुत रोता है। दोस्तों, मेरी मदद करो, मैं यहाँ अकेला फंसा हुआ हूँ। और इधर छोटी चिड़िया सारे जंगल में अपने भाई को ढूंढती है। सारा जंगल ढूंढने के बाद वह थकी हारी एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी उसे चुनमुन चिड़े की आवाज सुनाई देती है, कोई बचाओ मुझे, मैं यहाँ बड़े पत्थर से फंस गया हूँ। तब छोटी सी चिड़िया को चुनमुन चिड़े की आवाज सुनाई देती है और वहाँ उसके पास आ जाती है। तब वहाँ अपने भाई को बचा लेती है। पत्थर के नीचे फंसने से अभी चुनमुन से उड़ा नहीं जा रहा था। तभी छोटी चिड़िया उसे अपनी पीठ पर बैठा के उड़ती है और अपने घोंसले में पहुंच जाती है। तब चुनमुन चिड़ा कहता है, मेरी बहना, मुझे माफ कर दो, आज से मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं कहूँगा, तुम ही मेरी बहन हो।
और दोनों बहन भाई गले लग जाते हैं। यह देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है और दोनों बच्चों से प्यार करने लगती है।